है कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं होगी। कांग्रेस जब आदमी ढंग से नहीं खड़े कर रही है कहीं पे चुनाव में, तो भूमिका क्या होगी? भूमिका क्या होगी? कोई आदमी ढंग का नहीं है कहीं पे भी नहीं है। अभी सब शहर से कोई डिलीवरी नहीं कराया इन्होंने अभी यहाँ से। कांग्रेस सपा को समर्थन देगी हो क्या? बस हो गया करीब सवाल नई सरकार बनी जो कांग्रेस की। कांग्रेस आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितनी सीट आ सकती है? कांग्रेस की जी, कांग्रेस की अगर आई तो 40-50 सीट आएगी। बहुत आई तो जी, अगर 40-50 सीटें आ गई बहुत है। आपका मानना है कि कांग्रेस जो है वो कार्यकर्ता विहीन है? हाँ, जमीनी संगठन उसके पास नहीं है? नहीं है, जमीनी संगठन है ही नहीं उसके पास बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस कहीं फाइट करती भी नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस के पास ना तो कोई संगठन है, ना कोई बड़ा लीडर है जो इस पूरी लड़ाई को उत्तर प्रदेश में लीड कर सके। और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही प्रत्याशियों को टिकट दे रही है जो समाजवादी पार्टी से नाराज़ होकर दूसरे दलों में जा रहे हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में उन प्रत्याशियों को टिकट देने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में कभी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ फाइट सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, जिसमें समाजवादी पार्टी इस वक्त लीड करती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी अपना वजूद बचा ले और जो पिछली बार 7 सीटें लेकर आई थी वही बचा ले, वही उनके लिए संजीवनी हो सकती है। कांग्रेस की यूपी, वैसे तो यूपी चुनाव के अंदर, उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर 2022 के, मैं समझता हूँ कांग्रेस बहुत ही नीचे पायदान पर रही है इस वक्त। कांग्रेस को बहुत ही काम करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि उनका कोई लीडर दिख नहीं रहा मजबूत, कोई शहर के अंदर या फिर ऑल स्टेटों में कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा है। फिलहाल कांग्रेस इतनी सक्षम नहीं है। कांग्रेस सक्षम बन सकती है अगर समाजवादी का साथ दे तो, क्योंकि इनकी और समाजवादी की विचारधारा एक ही है 2022 के इलेक्शन में। लेकिन इन दोनों के बीच कोई अलायंस थोड़ी हुआ है? अलायंस नहीं हुआ है वो बात ठीक है, लेकिन अलायंस के साथ साथ अगर चाहें तो कर भी सकते हैं। दोनों की विचारधारा एक है, अलायंस कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी अलायंस चुनाव बाद तो संभव है, लेकिन चुनाव से पहले संभव नहीं है। चुनाव से पहले कोई संभव नहीं होगा अलायंस, चुनाव के बाद संभव हो सकता है जब कांग्रेस की 35 से 50 सीटें अगर कांग्रेस की आती हैं तो समर्थन देने के लिए कांग्रेस समाजवादी के पास ही जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस एकदम निचले पायदान पर खड़ी है। उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके जो एस्टेब्लिश नेता हैं वो समाजवादी पार्टी से टिकट लेके लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं रहेगी। अभी कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ आस भरी नज़रों से देख रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आए, उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया फिर पहले की तरीके से काम करे, हर वर्ग के लिए काम हो। माननीय अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में हवा चल रही है, और जो जुल्म और ज्यादती बीजेपी ने की है उससे समाजवादी पार्टी की एकदम लहर चल रही है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।